हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूँ अमित सिंह भदौरिया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो जनरली हम पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते हैं तो इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ये कंपटीशन में आ रहा है तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा। और साथ ही साथ में इसके क्वेश्चंस की जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं अपने आपके ड्राफ्ट मैन में, उनके हर सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की क्लास भी लगेगी। मतलब हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अब आपको धीरे धीरे क्या ट्रैक पर लाया जा रहा है, मैं भी ट्रैक पर आ रहा हूँ। मतलब कंटेंट जो है वो टाइप वगैरह करना, इधर उधर से चीज़ों का कलेक्ट करना, क्योंकि चीज़ें जो है वो ITI लेवल की, डिप्लोमा लेवल की चीज़ें हैं, तो उन्हें कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा दिया तो वो किसी काम का नहीं है, इसलिए टू द पॉइंट चीज़ें जो आ सकती हों वो हमें कंसिडर करनी होती है, तो थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है। और 2-3 दिन में चीज़ें जो हैं वो बढ़िया तरीके से हो जाएंगी रेडी, क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगी, थ्योरी भी रेडी हो जाएगी जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं। तब तक आप भी अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को बता सकते हैं कि क्लासेस वगैरह हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बाकी लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कितना बढ़िया मौका है आपके पास में, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ, दिनेश कुमार मीणा जी बिल्कुल, और DFC सहेल के लिए भी क्लासेस का अरेंजमेंट करेंगे, एक दो क्लासेस DFC सहेल के लिए भी लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी लगाएंगे। विनय भाटिया जी कह रहे हैं एक ग्रुप में शेयर किया था, 5 दिनों के लिए उन्होंने बैन कर दिया है। हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा बैन होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ड्राफ्टमैन की अगर हम बात करते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली अगर आप कॉलेज वगैरह गए हैं और आपने पढ़ा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को थोड़ा बहुत बनाया भी है, तो आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, हमारे पास में शीट्स वगैरह होती है, तो ड्राइंग वगैरह बनानी होती है अलग अलग। आपको पहले तो अलग अलग शेप बनाने के लिए बोलते हैं, फिर जब हम इंजीनियर बन जाते हैं या ड्राफ्टमैन बन जाते हैं, फिर हमें क्या है मैप वगैरह बनाने होते हैं हमारे बिल्डिंग्स वगैरह के। जरूरी नहीं है हम इंजीनियर हैं तो ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी बच्चे पढ़ते हैं ना, ये तो एक नॉर्मल सब्जेक्ट हो जाता है, डिजाइनिंग पर्पज़ का है, तो इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। अब आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, आपका समय आप जब पढ़ रहे होंगे तब आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आपके पास में शीट होल्डर हुआ करता था और लेकर के जाते थे इसे, जब आप स्टूडेंट थे तो किसी और को ले जाते हुए देखते थे शीट होल्डर को, तो ऐसा लगता था शायद कोई बंदूक तोप वगैरह लेकर के जा रहा है कोई, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता था, एक शीट होल्डर हुआ होता था जिसमें हम अपनी जो ड्राइंग शीट है उसे हम रखते थे। इसके अलावा आपने ड्राफ्टर वगैरह देखा होगा, अपनी स्केल वगैरह देखी होंगी अलग अलग, ठीक है, तो ये सारी क्लिप वगैरह, आपके फ्रेंच कर्व वगैरह, ये सभी जो हैं यूज़ किए जाते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, और जितना हो सकेगा मैक्सिमम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो रेडी हैं आप सभी लोग, देखिए ड्राइंग जब बनाई जाती है तो ड्राइंग बनाने के लिए बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, उन एसेसरीज का हम यूज़ करते हैं। जनरली जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज, हम वो बेसिकली हम पढ़ेंगे आपके जो कोड है उस कोड के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है जिसे हम BIS कहते हैं शॉर्ट में, इसके हिसाब से क्या क्या हमारे पास में गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइन को देखते हुए हम बात करेंगे, समझ गए क्या। चलिए देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या एड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ड्राइंग बोर्ड होता है, मिनी ड्राफ्टर वगैरह, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर वगैरह होते हैं, स्केल्स वगैरह होती है, फ्रेंच कर्व, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है ड्राइंग बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड जो बनाया जाता है, ड्राइंग बोर्ड होता है जिस पर बाकी की सारी चीज़ें असेंबल की जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ड्राइंग बोर्ड है, इस पर आपके ड्राफ्टर वगैरह जो है कनेक्ट किया गया है ड्राइंग बोर्ड पर, जहाँ पर आपके स्केल वगैरह से आप ये चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम बात करते हैं जो बोर्ड वगैरह जो यूज किए जाते हैं, वेल सीजन सॉफ्ट वुड होती है जिसकी थिकनेस होती है 25 mm, ये है यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एक लाइन पूछी जा सकती है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें ना उनको मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं, है ना, हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, जिससे कि ये जब मैं PDF दूंगा तो जब आप उसे बाद में पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी से चीजें याद हों। तो वेल सीजन सॉफ्ट वुड यूज में ली जाती है जिसकी थिकनेस क्या होती है 25 mm, जनरली हम लेकर के चलते हैं। इसके अलावा मिनी ड्राफ्टर जो है, मिनी ड्राफ्टर यूज किया जाता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपका मिनी ड्राफ्टर है। इस मिनी ड्राफ्टर की खास बात ये है कि बहुत सारी चीजों का जो है ना ये अकेला काम कर देता है। कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार वाली जो सिस्टम हो जाता है, वैसे ही आपके क्या हो जाते हैं, 100 दवाओं का 1 इलाज करके। तो अब आपके क्या हो जाते हैं, जैसे T² है,
तो इसके कंबाइंड फंक्शन किसका करता है, आपके टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, स्केल है, प्रोक्टर वगैरह है, प्रोटेक्टर वगैरह जो होते हैं, उन सभी का काम ये अकेला ही कर देता है। इस वजह से इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये क्या क्या, क्या काम करता है, इससे अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी हो, है ना, वर्टिकल लाइन बनानी हो, इंक्लाइन लाइन बनानी हो, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस बनानी हो, एंगल मेजर करना हो, है ना, लाइंस मेजर करनी हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका मिनी ड्राफ्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की, तो आपने देखा होगा बचपन में हम पढ़ते तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, जिसे ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं जनरली, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, कंपास होता है, डिवाइडर होता है, पेंसिल्स वगैरह होती हैं, तो वो आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी होना चाहिए जिसमें आपके कंपास वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना, कंपास भी होना चाहिए आपके साथ में। अब इसके अलावा ध्यान रखना कि आपके जो कंपास वगैरह जो आप काम में ले रहे हैं, उन कंपास की मिनिमम जो थिकनेस, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में, वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, वो 1 mm तक तो होना ही चाहिए, जिससे कि आप 1 mm तक की वैल्यू आप क्या कर सकें, मेजर कर सकें, उनके लेग्स के बीच की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास में स्केल होनी चाहिए, जिन स्केल से आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट वगैरह ले सकते हैं। आप अलग अलग टाइप की स्केल होती हैं, M1, M2, M3, इस तरह की क्या होती है स्केल वगैरह होती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब इन स्केल की बात, खास बात क्या होती है, जैसे कि M1 स्केल है, तो M1 स्केल जो है उस पर अगर आप बात करते हैं, स्केल ऑन एज की बात करते हैं, तो एज पर जो स्केल होती है M1 में, वो 1:1 में लिखी हुई होती है। अगर स्केल ऑन अदर एज की बात करते हैं, तो 1:2 में लिखी हुई होती है। तो ये M1 की खास बात होती है। M2 में क्या होता है, 1:2.5 में यहाँ पर स्केलिंग की जाती है, 1:10 में की जाती है। तो आपको क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो M1 जो है, इस M1 का याद रख लेना कि इसकी स्केलिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, उसका एक कोड है जिसका नाम है IS 46988। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसके अलावा ये जो कोड है जिसे हम कहते हैं जनरली भारतीय मानक का, ये है, इसे SP46 कहते हैं। इसका नाम मजे में याद रखना बढ़िया तरीके से, इसका नाम जो है SP46 है, ठीक है। क्या नाम है इसका, SP46। और लेटेस्ट जो कोड है ये हमारे पास में, अभी हमारे पास में वो कौन सा है, लेटेस्ट कोड जो है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो SP46 हमारे पास में 2000 क्या है, 3 है, 2003 वाला है। तो ये कोड भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिस जो होती है स्कूल कॉलेजेस में वगैरह में, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हम जो कोड काम में लेते हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, वो कोड कौन सा है। तो कोड का नाम आपको याद रखना होगा कि SP46 काम में लेते हैं। इस 46 में क्या क्या है जनरली, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके किस तरह, ये जो स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है ड्राइंग का, क्या क्या रेफरेंस पॉइंट लेकर के चलते हैं, प्लानिंग किस तरह से की जाती है, फोल्डिंग वगैरह कैसे की जाती है, प्रिंट्स वगैरह की, स्केलिंग, लाइन, लेटरिंग, आपके जो लेटर्स वगैरह जो होते हैं उनकी लेटरिंग वगैरह कैसे की जाती है, प्रोजेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं, कैसे प्रोजेक्शन किया जाता है, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको सेक्शन वगैरह बनाना है, तो सेक्शन वगैरह जो बनाए जाते हैं इसके लिए अदर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये IS जो है 10711 वगैरह जो है 1983 उन पर डिपेंड करता है, ISO 7200 पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ज्ञान की, अब डिपेंड करता है आप कितना ज्ञान ले सकते हैं, लेने का प्रयास करना, ओके। देखो, इसके अलावा आपने फ्रेंच कर्व का नाम सुना होगा, इस तरह के जो कर्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रेंच कर्व कहा जाता है, और जनरली पूछ भी लिया जाता है कि फ्रेंच कर्व क्या होते हैं या किस तरह से ये यूज किए जाते हैं, तो फ्रेंच कर्व के बारे में पता होना चाहिए। जब बहुत सारे सीरीज होती हैं कर्व्स की, उन डिजायरेबल पाथ होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है, तब ये चीज़ें यूज की जाती हैं। इसके अलावा आपके टेम्पलेट होते हैं, कोई ड्रॉइंग आपने बनाई, उस ड्रॉइंग में आपको छोटे छोटे टेम्पलेट बनाने हैं, मेजरमेंट वगैरह आपको लगाने हैं, वहाँ पर कोई भी सिंबल दिखाना है, कोई भी चीज़ दिखानी है, तो वहाँ पर ये टेम्पलेट जो है ये यूज़ किए जाते हैं, जनरली काम में नहीं लेते ज़्यादातर हम, है ना, बहुत स्पेशल काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपके पेंसिल जो है, ये पेंसिल काम में ली जाती है, ये पेंसिल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पेंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेंसिल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके टाइप ऑफ पेंसिल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जनरली आप याद रखना कि पेंसिल की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, जो कि आपके हार्डनेस के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो उन्हें, कितनी वो ब्लैक है, कितनी हार्ड है, इस बेसिस पर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्केट में आप जाते हो, तो हार्डनेस या सॉफ्टनेस के बेसिस पर इनको अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया जाता है, 3S, 2H, HHB, B2B, 3B, इस तरह से। तो जनरली ये ध्यान रखना, जो ग्रेड होती है आपकी HB ग्रेड जो है वो डिनोट करती है मीडियम हार्डनेस को, किसको डिपेंड करती है, मीडियम हार्डनेस को डिपेंड करती है आपकी HB ग्रेड। और जनरली जो हम स्कूल वगैरह में काम में लेते हैं वो HB ग्रेड ही होती है, किसकी, पेंसिल की।
देन अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पेंसिल होती हैं। तो ध्यान रखना, अगर कहीं पर एच लिखा हुआ है इसका मतलब वो कैसी है, हार्ड पेंसिल है, और अगर वहां पर एच नहीं है ओनली बी है इसका मतलब वो ब्लैक पेंसिल है, हार्ड नहीं है वो सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट और हार्ड दो तरह की होती है, अगर बी लिखा हुआ है यानी कि वो ब्लैक पेंसिल होगी, और एच लिखा हुआ इसका मतलब हार्ड होगी, और जो चीज़ हार्ड होगी वो कम ब्लैक होगी, उल्टा चलता है दोनों में एक दूसरे में। इस चीज़ का थोड़ा हल्का फुल्का सा आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एच बी पेंसिल अगर कहीं लिखा है तो एच बी सॉफ्ट ग्रेड को रिप्रेजेंट करती है, और एच बी पेंसिल का काम कहाँ लिया जाता है, एच बी पेंसिल काम में लेनी होती है जब आप बॉर्डर लाइन बना रहे हैं, लेटर्स बना रहे हैं, या फ्री स्केचिंग कर रहे हैं। एच पेंसिल का कहाँ यूज़ किया जाता है, एच पेंसिल जो होती है उसका यूज किया जाता है, ये मीडियम ग्रेड होती है, मीडियम आपके ग्रेड फॉर विजिबिलिटी आउटलाइन के लिए, मतलब आपको कोई भी चीज है वो आपके विजिबल होनी चाहिए, मीडियम विजिबिलिटी हो, बहुत ज्यादा डार्क ना हो, है ना। विजिबल एजेस हैं, है ना, बाउंड्री लाइंस होती हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। 2H की अगर हम बात करते हैं, ये हार्ड ग्रेड है, और इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन डाइमेंशंस के लिए, आपकी लीडर लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, हैचिंग वगैरह करनी है, उनमें हम 2H का काम में लिया जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों लाइन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा लेटर्स वगैरह की बात करते हैं, एग्जाम में अगर पूछ लेता है लेटर और डायमेंशन के लिए कहाँ किसका रेफरेंस ले रहे हैं, हम रेफरेंस ले रहे हैं SP 46 2003 का। लेटर वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग शीट होती है सबसे पहले, जिस ड्राइंग शीट में हमें वर्क करना है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मित्रों जो ड्राइंग शीट बनाई जाती है इस ड्राइंग शीट पर क्या क्या प्रिंसिपल होता है, इसकी साइजेस वगैरह क्या होती है, इनके बारे में आप बताइए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स और वाई का अगर रेशियो पूछ लेता है, इसमें एक्स और वाई का रेशियो जो चलता है, प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी ड्राइंग शीट को बनाने का, उसमें एक्स और वाई का रेशियो क्या आता है, 1√ क्या चलता है, √2, है ना, 1√2 चलता है इसका, और एक्स और वाई को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपके वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए। जहां ये एक्स और वाई क्या है, ये साइड बताते हैं, किसी भी शीट जो है उसकी साइड को क्या करते हैं, बताते हैं। जब भी कोई शीट बनानी हो तो समय चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अगर कोई ये कह देता है कि A0, आपने सुना होगा ना, A1 शीट, A2 शीट, A3 शीट, A4 शीट, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। तो अगर कोई पूछ लेता है कि बताइए मित्रों A0 शीट होती है उसकी साइज क्या होती है, है ना, तो उसकी साइज क्या होती है, और ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए। अगर कोई कह देता है मित्रों कि A0 शीट है, तो A0 शीट की जो साइज होती है वो होती है 841189, ये साइज किस में, MM में है। मतलब आपने जनरली पेज को देखा होगा, पेज हम कैसे होता है, हमारा A4 साइज का पेज देखा होगा आपने, A4 साइज का पेज ऐसा होता है, तो A4 साइज की डायमेंशन क्या होती है, तो A4 साइज की डायमेंशन 210297। अब आपसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली चीज जो है वो 210 है, और ये वाली जो चीज़ है वो कितनी है, वो 297 है, कितनी है वो 297 है, ये सिंपल सा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब आपसे क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि A1 की साइज़ क्या है, A2 की कितनी है, A3 की कितनी है, A4 की कितनी, A5 की कितनी है, इन साइजेस के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जनरली ड्राइंग की जो शीट, ड्राइंग शीट जब हम बनाते हैं तो उसको जनरली क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में बॉटम ही बॉटम में क्या था, आपके पास में A0 थी, A0 से A1 अगर बनाना है तो इसको फोल्ड कर दिया जाता है उस तरफ, जब A1 से लेकर के आपको A2 बनाते हैं इसको उस तरफ फोल्ड कर देते हैं, फिर इसको इस तरफ फोल्ड किया जाता है, इसको उस तरफ फोल्ड किया जाता है, ये फोल्डिंग कर करके हम क्या कर सकते हैं, बड़ी वाली शीट को हम छोटी वाली शीट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना बात को, तो इस तरह से हम फोल्ड करके बना सकते हैं, याद रखना काफी आसान है। दो जरूर याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका A0 या A0 बोल देते हैं कई लोग इसे, और एक होता है A4, ये साइज जो है कई बार पूछ लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग आती है वो भी कई बार पूछ लेते हैं, समझ गए क्या, समझ गए, कई बार पूछ लेते हैं, ES में भी है ये सिलेबस में, तो ES में भी क्वेश्चन आया था, उन्होंने A0 की साइज वगैरह पूछ ली थी, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं ना, आपने ड्राइंग बनाई होगी ऐसा मैं मानता हूँ, तो ड्राइंग आपने बनाई होगी, तो ये अगर ड्राइंग है, ये अगर कोई शीट है, ड्राइंग शीट है, और ड्राइंग शीट पे जब ड्राइंग हम बनाते हैं तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया जाता है, और इसको हम बोल देते हैं कि टाइटल बॉक्स, इसमें हम टाइटल बनाएंगे और इसको हम बोलेंगे टाइटल बॉक्स, किया है ना ये सब कॉलेज में, पवन पुष्पा जी और पवन कुमार जी, नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट होगा और फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा, क्या कुछ है उसके बारे में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और इस चीज़ को लेकर के मैं कल परसों में एक दो दिन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, कि हम आगे के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम मैं क्या कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, और हमारा फोकस किन एग्जाम्स पर रहेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, है ना।
चलिए, तो आपने टाइटल बॉक्स का नाम सुना होगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए टाइटल बॉक्स के बारे में पता है या नहीं। सुना तो है ना कि आपने, अगर सुना होगा ना आपने तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मित्रों बताइए टाइटल बॉक्स जो होता है, इस टाइटल बॉक्स की हाइट जो है वो हाइट कितनी होती है, इस टाइटल बॉक्स जो है इसकी विड्थ या लेंथ जो है वो कितनी होती है। विड्थ वगैरह पूछ लेते हैं, लेंथ वगैरह पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसकी जो हाइट है कोड के हिसाब से वो दे रखी है 65, कितनी दे रखी है 65, और ये वाली जो डायमेंशन है वो दे रखी है 170। 65 और 170 जो है ये टाइटल बॉक्स की क्या होती हैं, साइजेस होती हैं। कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज में फैकल्टी होते हैं वो अपने हिसाब से इन डायमेंशन को चेंज कर लेते हैं, अब ना कोई एक इसको 150 ही ले लेते हैं, कोई कुछ ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें IS 46 जो है SP 46 उसे फॉलो करना है और उसके हिसाब से हमें चीज़ें याद रखनी है। तो ध्यान रखना द टाइटल बॉक्स कैन बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ 170 mm, हमें लेंथ जो है 170 mm ही रखनी है और हाइट 65। तो स्टैंडर्ड आप देख लो कि गुरुदेव ने कहा है हमें तो ये साइज लेनी है, इतने mm स्क्वायर का एक बॉक्स हमें क्या बनाना है, ये टाइटल बॉक्स हमें क्या करना है, बनाना है। समझ रहे हो बात को, ये हमें साइज लेनी है। अब जो ड्राइंग टाइटल बॉक्स बनाया जा रहा है या टाइटल ब्लॉक बनाया जा रहा है, तो इस ब्लॉक में या इस बॉक्स में क्या क्या चीजें जो होंगी वो रखी जाएंगी, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके टाइटल जो होना चाहिए ड्राइंग का वो लिखते हैं, ड्राइंग का नंबर लिखा जाता है, स्केल लिखी जाती है, इसमें प्रोजेक्शन मेथड कौन सा यूज़ किया उसे लिखा जाता है, कौन सी फर्म ने ये बनाया है ये लिखा जाता है, डायमेंशन कौन सी यूज़ किए हैं, किसने इसको चेक किया, किसने अप्रूवल किया, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, कुछ इस तरह का जो है देखने में मिलता है हमें, समझ गए। कुछ कई लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं, तो डिपेंड करता है आप किस तरह से बना रहे हो, तो ये आपका क्या होता है टाइटल जो ब्लॉक है या टाइटल बॉक्स है वो इस तरह से बनाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं ड्राइंग लेआउट की, कि ड्राइंग शीट का लेआउट कैसा होता है। ये ड्राइंग शीट देखने में ऐसी लगती है जिसमें यहाँ पे आपका टाइटल क्या होता है, टाइटल बॉक्स या टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, इस ब्लॉक के अलावा क्या होता है चारों तरफ मार्जिन लाइन बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है मार्जिन लाइन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मित्रों बताइए कि जो एक्स्ट्रा जो स्पेस छोड़ा गया है ये क्या है, ये मार्जिन लाइन होती है, और ये मार्जिन लाइन जो है वो कितनी कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है शीट पर। जैसे मान लीजिए अगर आपके कहीं ए नॉट शीट है, क्या है ए नॉट शीट है या फिर A1 शीट है, तो उस केस में जो मार्जिन लाइन है वो कितनी होगी, वो आप रख सकते हो 20 mm की, कितनी रख सकते हो 20 mm की। लेकिन अगर ये A2, A3 या A4 है तो उसमें 10 mm की जो मार्जिन लाइन है वो रखी जाती है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है और नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि ये है, ये पर्टिकुलर कोई शीट है, तो इस शीट में क्या करना है आपको 20 mm का स्पेसिंग यहाँ पर रख रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ पर आप 10 mm का रख रहे हो। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एज पर और एक होता है आपके मार्जिन लाइन। तो चारों तरफ जो मार्जिन लाइन रखी जाती है जनरली वो कितनी रखी जाती है, वो हम रख रहे हैं कितनी 10 mm की, है ना, A4 शीट है मान लीजिए या और छोटी मोटी शीट है तो उनमें 20 mm। लेकिन जो आपका एज होता है तो यहाँ पर क्या होता है फिलिंग एज होता है, तो यहाँ पर क्या रखी जाती है 20 mm रखी जाती है। तो अब मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ, दो चीज़ें मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि मित्रों फ्रेंड्स ये बताइए कि आप जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछने पर आपसे ये कहे कि फ्रेंड्स ये बताओ कि जब मैं मार्जिन लाइन बना रहा हूँ या बॉर्डर लाइन बना रहा हूँ तो वो बॉर्डर लाइन जो है उस बॉर्डर लाइन में कितनी वैल्यू होती है, तो बॉर्डर लाइन जो बनाई जाती है उसमें 10 mm स्पेसिंग रखी जाती है या फिर 20 mm रखी जाती है, ये डिपेंड करता है इन शीट पर। कि अगर आपके A2 A3 A4 है तो हम 10 mm का रखेंगे, A0 और A1 के लिए कितना रखेंगे हम 20 mm का, और जो यहाँ पर आपकी फिलिंग मार्जिन होती है उस फिलिंग मार्जिन में या एज पर क्या करते हैं हम 20 mm की स्पेसिंग रखते हैं। तो ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़, देखो अगर किसी को डाउट है ना कि जो टाइटल ब्लॉक होता है या टाइटल बॉक्स होता है उसकी साइज़ क्या होती है क्या नहीं होती है, तो IS जो आपका मैंने 46 बताया, इस IS 46 में जाकर के आप कंफर्म कर सकते हो कि जो टाइटल, देखो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, देखो कोड में यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये फाइल जो है ये फाइल भी आपको मिलेगी, तो देखो यहाँ पर ये साइज़ लिखी हुई है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं या जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं ना वो कोड के रेफरेंस में बता रहा हूं, जो कोड में लिखी हुई है ना चीज़ें उन कोड का रेफरेंस लेकर के फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उनका एक सोर्स है, या तो हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं या स्टैंडर्ड कोई कोड बनाया गया उन चीजों को देखते हुए हम कर रहे हैं ना, तो इनका इन्होंने क्या है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स किया हो उन्हीं को देखते हुए फिर हमें करना होता है। तो कोड में जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 170 दी हुई है, कितनी दी हुई है टाइटल की, ये टाइटल ब्लॉक जो दिया हुआ है 170 है। देखो ये कोड में आप जाएंगे तो यहां पर देखिए मैक्सिमम जो डिस्टेंस जो यहां दी हुई है वो कितनी दी हुई 170। तो अब क्या आपका विश्वास हो गया कि 185 है या 170 है, बताइए। अब विश्वास हो गया ना आपको कि भाई 170 ही होता है, 185 नहीं होता है, बताओ।
देखो, मेरी अच्छी बात और ख़राब बात दोनों एक ही है कि मुझे अगर आता है तो मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं तो बोल देता हूँ भाई साहब देखो नहीं आता मुझे, या तो मैं कहीं से किताब में देख करके ढूंढ के बता दूंगा, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा। पानी पी लिया मैंने बिना पूछे, आ जाना, गाली वाली मत दे देना कि मन ही मन में गाली वगैरह दो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, देखो फिर आ जाते हैं, है ना? स्पीड सही है ना आज, बड़े आराम से चल रहा हूँ मैं। कल तुम्हारी शिकायत थी परसों गुरुदेव भाग रहे हैं, तो आज मैं भाग नहीं रहा हूँ। देखो लाइंस वगैरह जो है, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आ जाता है लाइंस वगैरह के बारे में, कि लाइन जो है, लाइन हम बनाते हैं, इन लाइन से भी कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो लाइन के वगैरह वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइन के लिए अगर कोई स्पेशल कोड कोई पूछ लेता है तो वो होता है IS 107 10714, और पार्ट कौन सा इसका, 20th पार्ट। और जनरल जो कोड है वो SP46, तो ड्राइंग के लिए है ना, स्पेसिफिक अगर हम कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? सुशील कुमार जी, अगर आपके सर ने 185 बताया तो उन्होंने गलत नहीं बताया, उन्होंने भी सही बताया है और मैं भी सही बता रहा हूँ, दोनों जने सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा है ना? गुरविंदर सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी कौन से गुरविंदर? मैं जानता हूं कि गुरविंदर सिंह जी, मैं एक हमारे पंजाब में सर भी है गुरविंदर सिंह। देखो अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, कि जो लाइंस बनाई जाती है ना, उनमें बहुत सारी लाइन होती हैं, जैसे कि आपके विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एजेस, या डायमेंशन लाइंस, या एक्सटेंडेड जो लाइन होती है जिन्हें एक्सटेंशन लाइन भी कहते हैं, अलग अलग तरह की लाइन होती हैं। अगर कोई कह देता है कि भाई विजिबल आउटलाइन के बारे में बताइए, या विजिबल एजेस के बारे में बताइए, कंटिन्यूस वाइड एजेस के बारे में बताइए, तो उसमें कौन सी लाइन लेंगे, डायमेंशन में कौन सी लेंगे, तो इन चीज़ों को है ना मैं एक टेबल से बता देता हूँ, एक बढ़िया सी टेबल दी हुई है, बाकी आप चाहें तो इसे भी पढ़ लेना, लेकिन मैं एक टेबल के फॉर्म में बता देता हूँ, बड़ा आसान है चीज़ों को समझना। देखिए लाइन और उनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे कंटिन्यूस लाइन, किसी ने कहा कि भाई साहब आप कंटिन्यूस नैरो लाइन बनाइए, तो ये कंटिन्यूस नैरो लाइन है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो डायमेंशन लाइन अगर आपको बनानी है, एक्सटेंशन लाइन बनानी है, लीडर लाइन बनानी है, रेफरेंस लाइन बनानी है, शॉर्ट सेंटर लाइन बनानी है, प्रोजेक्शन लाइन बनानी है, हैचिंग लाइन बनानी है, ये इमेजनरी लाइंस जो होती हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन सभी जगह पर इनको क्या किया जा सकता है, हम बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्ट सेंटर लाइन लिखा हुआ है, सेंटर लाइन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटर लाइन एक अलग चीज़ हो जाती है। इसके अलावा होता है कंटिन्यूस नैरो फ्री हैंड लाइन, है ना, जो कंटिन्यूसली जो बिना स्केल के हम लाइन बना देते हैं ना, फ्री हैंड लाइन बनाई जाती हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, इनको जनरली कहा करते हैं जब सेक्शन कट हो रहा होगा ना, जनरली वहां यूज करते हैं, लेकिन ड्राइंग में हम है ना फ्री हैंड जो कंटिन्यूस लाइन होती है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके अलावा होते हैं कंटिन्यूस नैरो लाइंस विद जिगजैग, जिगजैग लाइन भी होती हैं, और जिगजैग लाइन कहाँ यूज करते हैं, जब आपके आपके ऐसे आपने व्यू बनाए हैं, या कोई ऐसा सेक्शन आप बना रहे हैं जो कट हो रहा होगा, है ना, कट करके फिर निकल रहा होगा वहां से, जनरली जिगजैग लाइन कहाँ बनाते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा बड़ा कोई सेक्शन है तब बना देते हैं, या कट हो रहा होगा तब, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जिगजैग लाइन, हम कंटिन्यूस जिगजैग लाइन हम बनाते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस वाइड लाइन कब बनाते, कंटिन्यूस अभी मैंने एक आपको लाइन बताई थी, ये नैरो लाइन थी, जबकि ये हमारी कौन सी है, वाइड लाइन है। वाइड लाइन का यूज किया जाता है विजिबल एजेस हो, विजिबल आउटलाइन हो, मेन रिप्रेजेंटेशन हो डायग्राम में, मैप वगैरह का, या फ्लो चार्ट हो, तब हम यूज करते हैं। डैश नैरो लाइन जो होती है उन्हें हिडन लाइन, या आपके हिडन लाइन का क्वेश्चन हो, या हिडन एजेस का क्वेश्चन हो, हिडन आउटलाइन का क्वेश्चन हो, तब हम इसका यूज करते हैं। अब यहां पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, आपके जो लाइट टाइप 2.1 है, लाइन का टाइप 2.1 है, जिसे डैश नैरो लाइन कह रहे हैं, ये हिडन लाइंस के लिए, हिडन एजेस के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा एक होती है लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन, जिसे हम सेंटर लाइन कहते हैं, या एक्सेस लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ये भी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इस लाइन की खास बात क्या होती है, आप एक लॉन्ग लाइन बनाएंगे, फिर आप स्पेसिंग रखेंगे 3 mm का, 1 mm का डॉट बनाएंगे, फिर 3 mm, फिर 6 mm, इस तरह चलता है। मैं आपको बता, एक होती है आपकी लॉन्ग डैश्ड डॉटेड वाइड लाइन, ठीक है, इसमें विड्थ जो है थोड़ी वाइड रखी जाती है, जब आपके कटिंग एजेस होते हैं तो उस केस में जो सेंटर लाइन बनाया जाता है, उस केस में ये यूज की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, और सेंटर लाइन का बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मान लीजिए मुझे सेंटर लाइन करना है ना, देखो जैसे मान लीजिए मुझे ये मेरा सर्कल है, बहुत घटिया सर्कल है, लाइन मतलब वो मत करना, है ना, देखो इसका ये सेंटर है। अब मुझे यहाँ पर क्या, आपने बोला कि गुरुदेव इसको बना के बताइए, तो मैं बनाता हूँ। देखो हमें क्या करना होता है, हमें एक डॉट बनाना होता है, जो हमारा डॉट होता है ना, मतलब सेंटर लाइन का एक डॉट बनाना होता है,
डॉट के बाद में आपको 3 mm का स्पेस रखना, फिर 6 mm की लाइन बनानी होती है। फिर आपको क्या रखना होता है, 3 mm का स्पेस, फिर 1 mm की लाइन, फिर 3 mm का स्पेस, फिर 6 mm की लाइन। तो ये क्या है, ये इस तरह की कुछ लाइन चलती है, समझ रहे हैं बात को? तो ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। इस तरह की लाइन एक होती है आपकी डैश लाइन, वो डैश लाइन तो नॉर्मली ऐसी होती है, ये डैश लाइन होती है हिडन एजेस को बनाने के लिए बनाई जाती है। अभी मैं आपको है ना, ये तो मैंने रफली बता दिया, अभी मैं आपको है ना एक सेंटर के साथ में सर्कल के साथ में बताऊंगा अभी कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत होता है कौन सा सही होता है, क्या पता एग्जाम में दे दे और पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा जो लाइन की जो विड्थ होती है ना, थिकनेस होती है लाइन की, क्या क्या थिकनेस होती है, विड्थ की अगर हम बात करते हैं या फिर थिकनेस की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग होती है। लाइन की थिकनेस होती है 0.13 mm, 0.18 mm, है ना, 1 mm तक, ये क्या है, ये वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। बस इतना याद रखना है कि IAS कोड क्या कहता है, BIS भाई साहब ये कहता है कि आप लाइन बनाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके जो लाइन आप बना रहे हो ना, उस लाइन में इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि आपकी लाइन की जो विड्थ है ड्राइंग पर, है ना, उसमें ये ध्यान रखना है कि आपके जो रेशो होता है थिन और थिक लाइन्स का किसी भी ड्राइंग में, वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 1:2। 1:2 इसे क्या होगा ना, कम नहीं होना चाहिए थिन और थिक लाइंस का। ऐसा ना हो कि जो आपने थिक लाइन बनाई वो कुछ ज़्यादा ही थिक बना दिए हैं और जो थिन बनाई कुछ ज़्यादा ही थिक थिन बना दिए हैं। इनके बीच में एक रेशो होना चाहिए जो 1:2 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। लाइन वगैरह कैसे बनाते हैं ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो लेटर वगैरह बनाए जाते हैं उन लेटर के लिए कौन सा कोड है और क्या है इसका सिस्टम है, ये भी आपको बताना। लेटर के लिए जो कोड है वो आपका 9609 पार्ट 0 है ना, और ये 2001 में आया था। इसके अलावा SP46 कंबाइंड ड्राइंग का कोड है, ये मैं तीसरी या शायद पांचवी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या पता दिमाग में बैठ जाए और काम हो जाए आपका, है ना। लेटर वगैरह का यूज़ कहाँ किया जाता है, लेटर का यूज़ किया जाता है टाइटल वगैरह बनाने में, सब टाइटल बनाने में, डायमेंशन लिखने में, और आपके जो ब्लॉक आपने बनाया है टाइटल ब्लॉक उसमें जो फिलिंग करनी है वो आप लेटर से करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे आप। अब क्या होता है, लेटर जो लिखे जाते हैं जनरली, लेटर को जो लिखा जाता है वो जनरली किस में लिखते हैं, लेटर शुड बी डन फ्री हैंड विद स्पीड, आराम से। ऐसा नहीं कि आप बड़े आराम से जैसे हम पहली दूसरी क्लास में धीरे धीरे लिखते थे, वैसा नहीं, आपको फ्री हैंड करना है और ठीक ठाक स्पीड में आपको क्या करना है, अपने लेटर जो है वो लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक घंटे में आप एक लेटर लिख रहे हैं, नहीं, इतना भी नहीं, फ्री हैंड करना है और स्पीड के साथ में आपको लिखने होते हैं। लेकिन इसमें कुछ रूल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेटर जो लिखे जाते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, वो फ्री हैंड लिखे जाते हैं, है ना, फ्री हैंड लिखे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब जो लेटर बनाए जाते हैं ना उसमें क्या होता है, जनरली आपके जो लेटर लिखे जाते हैं उनमें क्या होता है, हम कई बार बोल देते हैं यार फैकल्टी, आपके फैकल्टी ने बोला होगा, एक वर्ड यूज किया जाता है सिंगल स्ट्रोक लेटर। क्या सिंगल स्ट्रोक लेटर, ये सिंगल स्ट्रोक लेटर का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक लेटर का मतलब होता है कि आपने अपने पेन को पकड़ा और पेन से आपने कुछ भी एक कोई भी एक चीज आपने बना दी, है ना, कोई भी एक चीज बना दी बिना पेन को उठाए, जैसा कि ओ, इस ओ को मैंने बना दिया बिना पेन उठाए। अगर आपने कहा कि गुरुदेव ए बना करके बताओ, तो मैं ए कैसे बनाऊंगा, ए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर यहां से स्टार्ट करूंगा, ए बनाऊंगा, मुझे पेन उठाना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर बी बना के बताइए, सी बना के बताइए, तो सी को आपका बोलेंगे सिंगल स्ट्रोक है, क्योंकि आपने क्या किया, एक बार में सी बना दिया है, समझ गए क्या? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, डबल स्ट्रोक क्या होता है, कि आपको जितनी बार पेन उठाना पड़ेगा, मतलब सिंगल पेन मत उठाइए, एक बार में आपने बना दिया उसे सिंगल स्ट्रोक कहेंगे, ओके। हाँ, आगे इसके अलावा अगर आपको कोई भी लेटर बनाना है तो उनकी क्लासिफिकेशन है, तो सिंगल स्ट्रोक लेटर के बारे में अगर कभी पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो टाइप ए होता है, एक टाइप बी होता है, कौन सा, टाइप ए और टाइप बी। आई होप ये सिंगल स्ट्रोक आपको समझ में आया होगा। और DFCCIL के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं वो पूछ रहे हैं, DFCCIL के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ड्राफ्टमैन के लेवल की बातें कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं ना, ओके। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ लेकिन थोड़ी महंगी है, और पीडीएफ की प्राइस है 1,25,000 रुपये, ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में शेयर कर देंगे पीडीएफ को, और टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद सिविल बडी, ठीक है। बस इतना ही है आपसे, दुआई आपसे मतलब रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके, ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। बाकी तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, है ना। चलो देखो, अब हम बात कर लेते टाइप ए और टाइप बी की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना।
टाइप ए उन्हें कहते हैं जिनमें हाइट जो होती है ना लेटर्स की, कैपिटल लेटर्स की, उसको हम 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जबकि टाइप बी उन्हें कहते हैं जिनमें जो कैपिटल लेटर होते हैं उन्हें हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो टाइप ए और टाइप बी के बारे में आपको इस तरह से चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, किस में हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और किसको 14 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, टाइप ए और टाइप बी। इसके अलावा जब हम इन लेटर्स को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लेटर जो लिखे जाते हैं जनरली वो हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, अपर केस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर यानी कि हम लोअर केस की अगर हम बात कर रहे हैं वो जनरली तब यूज किए जाते हैं जब आप किसी भी चीज़ के एमएम सेंटीमीटर इस तरह की जब आप लोअर डायमेंशन वगैरह लिख रहे हो तब हम यूज़ करते हैं, वरना जो आपके टाइटल वगैरह जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में ही हम लिखने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है, जो हाइट होती है ना स्टैंडर्ड हाइट जो कोड हमें बताता है वो अलग अलग हाइट बताता है, जिसमें हाइट जो मैक्सिमम हाइट जा रही है वो 20 mm तक हाइट हो सकती है, इससे ज़्यादा आपको हाइट नहीं लेके चलनी, कोड की डायमेंशन हैं। ठीक है, इसके अलावा कोड ये कहता है कि जब आप हाइट की बात करते हैं तो लेटर या लेटर्स की या नंबर आपको लिखने हैं उनकी जो वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, चौधरी साहब नमस्कार, राम राम, है ना, राम राम, जय श्री कृष्णा। मेन टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो मेन टाइटल जो होता है 5 mm, 7 mm, 10 mm तक का हो सकता है। सब टाइटल की जो हाइट हो सकती है वो 3.5 mm, 5 mm की होनी चाहिए। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, डायमेंशन या नोट्स वगैरह जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं उनकी 2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm तक हाइट हो सकती है। ये पता है क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको जनरली यूज़ करनी है, जनरली फॉलो करनी है, ये जनरल डेटा है, जनरल वैल्यूज़ हैं। कोर्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मेन टाइटल जो है मेन टाइटल की हाइट क्या हो सकती है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 3.5 हो सकती है, है ना, 5 हो सकती है, 6 mm हो सकती है, 9 mm हो सकती है। तो अब आप सोचिए 9 mm पढ़ा है हमने, 9 mm है ही नहीं कहीं स्टैंडर्ड में, 9 mm नहीं है, 6 mm है, 6 mm भी नहीं है, 5 mm है, हाँ सर 5 mm तो है, 3.5 mm नहीं है, 3.5 mm तो सब टाइटल में चला जाता है। तो इस तरह से अगर कभी कभी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन क्या है, किस तरह से हम डील करना है हमें। ओके, देन नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं इसमें हाइट वगैरह के बारे में, इसके अलावा क्या होता है कि लेटर जब लिखे जाते हैं ना तो लेटर का जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था उनके बारे में क्या होता है, कुछ चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए कि सेंटर से हाइट कितनी है, पर्टिकुलर जो हाइट है उसे कहाँ से कितनी है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, एग्जाम में हमारे से इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्या चीज़ मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, ये वाला सिस्टम स्किप कर रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चला जाता है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं आपसे, है ना, कि भाई स्पेसिंग जो मतलब हाइट जो है लोअर केस में कितनी है, टेल हाइट कितनी है, टेल से लोअर हाइट की वैल्यू कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट के बारे में पूछता तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरह से लेटर को लिखा जाता है। अब क्या होता है, ड्राइंग जब बनाई जाती है, ड्राइंग में जब चीज़ों को लिखा जाता है तो स्पेस जो रखा जाता है लाइंस के बीच में, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो जाती हैं जिनमें जो गाइडेंस जो है हमारे गाइडलाइंस हैं उनके बारे में ध्यान रखना, कि ड्राइंग जो लिखी जाती है, ड्राइंग का जो नंबर होता है, ड्राइंग नंबर टाइटल बॉक्स में जो लिखा जाता है या लेटर जो डिनोट किए जाते हैं उनकी साइज 10 mm जनरली हम लेकर के चलते हैं, कितनी 10 mm जनरली हम लेकर के चलते हैं। इसके अलावा ड्राइंग में जो टाइटल लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है 7 mm हाइट का, 7 mm साइज रखी जाती है टाइटल्स की। अब क्या होता है, इसके अलावा जो हम हैचिंग वगैरह कर रहे हैं, सब टाइटल लिख रहे हैं, मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ लिख रहे हैं, डायमेंशन लिख रहे हैं, उनकी जनरली जो साइज होती है वो 3.5 mm होती है। स्पेसिंग जो रखी जाती है लाइंस के बीच में, जो लाइन आप बना रहे हो उसमें 3/4 H रखी जाती है, स्पेसिंग लाइन जो है वो कितनी रख रहे हैं हम, 3/4 H रख रहे हैं, H का मतलब हाइट होती है। और अगर हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल टू विड्थ ऑफ अल्फाबेट M और 3/4 H होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी हाइट आपके बीच में हो सकती है। क्योंकि अब मैं आपको एक लेटर लिख करके बताऊंगा, फिर मैं आपको लिखा हुआ है वो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके अलावा जब हम लेटर्स की बात करते हैं, कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं, तो हाइट और विड्थ का जो रेशो होता है कैपिटल लेटर्स में 10:6 हो सकता है, जबकि अगर हम बात करते हैं एम और डब्ल्यू की तो स्पेशल केस हो जाते हैं, इनमें वैल्यू क्या हो जाती है, 10:6 हो जाती है। लोअर केस की अगर हम बात करते हैं तो लोअर केस में जो हाइट और आपके विड्थ का जो रेशो होता है वो 10:5 हो सकता है, 10:5 हो सकता है, जबकि कैपिटल में अलग होता है। और एम और डब्ल्यू जो होता है यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, 7:7 की ये वैल्यू चलती है, 7:7, 1:1 भी दे सकते हैं ऑप्शन में। इसके अलावा नंबर की अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर 9 नंबर तक हम वैल्यू लिखते हैं तो इनमें हाइट और विड्थ का रेशो कितना होता है, 10:5 क्या चलता है, 5 चलता है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पेसिंग जो रखी जाती है, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर जो होते हैं उनके बीच की स्पेसिंग क्या रखते हैं, 2/10 H रख सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स के बीच में क्या होनी चाहिए, वो 6/10 H होनी चाहिए। अब ये मत पूछ लेना कि सर कैरेक्टर और वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है, कैरेक्टर और वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है ये मत पूछ लेना, है ना, कैरेक्टर वर्ड्स में तो पता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये आपने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्मॉल स्पेस
स्पेसेस शुड बी यूज फॉर द गुड लेटर स्पेसिंग, ये लिखा हुआ है क्या? ये सही लिखा हुआ? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसे सही लिखा हुआ है? क्योंकि जब इनको लिखा जाता है ना, तो आपने जो वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स के बीच की जो स्पेसिंग, स्पेसिंग का क्या है, विशेष ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर स्पेसिंग का जो है वो स्पेसिंग का ख्याल नहीं किया गया है, स्पेसिंग का ख्याल नहीं किया गया है। और तो और जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने यहाँ पर जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं वर्ड्स के बीच में, इन कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग का भी ध्यान नहीं रखा हुआ है। तो हमें क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है, कितनी स्पेसिंग हमें वर्ड्स में रखनी है और कितनी कैरेक्टर्स में हमें ये स्पेसिंग रखनी होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर आपके जो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनके बीच में ही ये लाई करने चाहिए। इनके हाइट और विड्थ के बारे में हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है। अब हमें क्यों ड्राइंग तो बनानी नहीं है, हमें इतना पढ़ना है जिससे कि हमारा जो पेपर में अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम कर सकें, हम उतना ही हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी क्वेश्चन पूछ लें कि सर फ्री हैंड जो है, हम फ्री हैंड वर्टिकल लेटर्स बना रहे हैं, तो उनकी वर्टिकल हाइट हमें कितनी लेके चलनी है, तो हमें कितनी लेके चलनी है, फ्री हैंड के केस में हमें लेटर की जो साइज़ है वो 5 mm फ्री हैंड की लेकर के चलनी है। क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब आ जाना चाहिए, सही है। चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डायमेंशन की, कि डायमेंशन जो है वो कैसे बनाई जाती हैं। डायमेंशन जो है, डायमेंशन लिखने का जो स्पेशल एक तरीका होता है, उस तरीके का आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ ले कि डायमेंशन जब लिखी जाती हैं तो आपने एक लाइन बनाई डायमेंशन के लिए, ठीक है, ये डायमेंशन की लाइन है, तो अब इसमें इसकी जो वैल्यू वो कहाँ लिखेंगे, बॉटम में लिखेंगे, टॉप में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे। तो हमेशा जो लाइन बनाते हैं लाइन के कहाँ, ऊपर की तरफ लिखते हैं। अगर ये लाइन कैसी है, इस तरह की से बनाई है आपने, तो आप कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, जो आपकी वैल्यू है। इसके अलावा कभी भी किसी भी ड्राइंग पर जो हमें वैल्यू लिखें, तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है। जैसे कि 40 है तो 40 लिखना है, ये सेंटीमीटर है या एमएम में नहीं लिखना होता है। ये क्यों नहीं लिखना होता है, क्योंकि आप किसी भी ड्राइंग के लिए, हम पहले ही डिफाइन कर देते हो यहाँ पर जो भी मैं डायमेंशन लेने वाला हूँ वो किस में है। जनरली क्या होता है, हम एमएम में लेकर के चलते हैं, या आप पहले ही स्पेसिफाई कर देते हो। इस चीज़ के बारे में विशेष ख्याल रखना, ठीक है, दो चीज़ याद रखना। इसके अलावा कभी कभी हम सेंटर लाइन बनाते हैं और सेंटर वगैरह बनाए, तो सेंटर का डायमीटर वगैरह भी लिखना होता है। तो जैसे कि आपने होलो सिलेंडर काम में लिया है, तो हमें बताना है इंटरनल डाया, तो आप क्या करते हो, यहाँ से लेकर के एक एरो आपने इस तरह से बनाया, एक एरो आपने इस तरह से बनाया, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, डायमीटर कितना दे रखा है, इतना दिया हुआ है। या फिर आप डायरेक्टली फाइल लिख करके आप डायमीटर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ गए। तो आप इस तरह से डायमीटर जो है वो आप लिख सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे एक बार बता दीजिए कि जो डायमेंशन वगैरह लिखी जाती हैं, डायमेंशन वगैरह के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन जो है वो यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, इस तरह से बताया गया है। तो कभी क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है कि बताइए डायमेंशन जब लिखी जा रही हो, और हाँ डायमेंशन से पहले एक चीज़ और समझ लेना कि टाइटल बॉक्स जो होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। ये सिंबल हमें क्या बताता है, हमें प्रोजेक्शन को बताता है कि हम किस प्रोजेक्शन में हम काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसके अलावा जो मैं चीज़ पूछना चाह रहा था वो अब आप मुझे बताना। देखो चलो वो बाद में बताऊंगा, चलो पहले इसको देखो कि आप, अब आपने क्या है कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में हम वैल्यू बना रहे हैं, तो और वहाँ पर नंबरिंग वगैरह ली हुई है आपने, डायमेंशन वगैरह बताई है। तो डायमेंशन को क्या है, एक प्रॉपर वे में बताया जाता है कि आपकी एक लाइन जाएगी, फिर आप ऐसे करेंगे और उस लाइन के ऊपर आप क्या है, वहाँ पर जो भी चीज़ है वो मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से आप क्या करेंगे, आप उसकी डायमेंशन को आप बताएंगे। अगर आपने इस तरह का कुछ किया हुआ है तो ये गलत माना जाएगा, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी हम डायमेंशन वगैरह लिखते हैं, तो डायमेंशन वगैरह में इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है कि आप हो सके तो इंटरनल से इंटरनल इस तरह से आप वहाँ पर बताएं, ठीक है, और इन चीज़ों को बिल्कुल भी ओवरलैप जो है, ओवरलैप आपको नहीं करना है, ये कट नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या करना है कि जो ड्राइंग शीट है, उस ड्राइंग जो बनाई है ड्राइंग शीट में, उस ड्राइंग के बाहर ही आपको डायमेंशन बतानी है। ऐसा नहीं है, देखो आपने ड्राइंग बनाई है, ये एक्चुअल आपकी ड्राइंग है, और ड्राइंग के अंदर आप डायमेंशन बता रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना होता है ना। ये बेसिक आपका क्या होता है, बेसिक आपका ये रूल होता है कि ड्राइंग के बाहर आपको बनाना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप ड्राइंग वगैरह बना रहे हो, डायमेंशन वगैरह लिख रहे हो, मान लीजिए अगर आपके वहाँ पर स्पेसिंग कम है ना, स्पेसिंग यहाँ पर कम है, स्पेसिंग नहीं है और नहीं बना पा रहे हो आप, और इस तरह से आपके नहीं बन रही है, आपके एरो नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको बाहर आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे अंदर आप नहीं लिखोगे उस केस में, जब आपके नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हाँ आपकी जो डायमेंशन वाली जो लाइन है, विनय जी ने सही कहा, ये कट एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, काटनी नहीं है आपको। अब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो एरो होता है ना, जैसे कि ये एरो आपने बनाया है, ठीक है, लगता है बारिश आ गई है, एरो आपने बनाया है ये, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो एरो होता है, इसकी जो लेंथ होती है
और इसकी जो विड्थ या थिकनेस या हाइट जो भी कहो, इनके बीच का रेशियो क्या होता है, कितना रेशियो रखा जाता है, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ। बताओ, कमेंट करो, अगर किसी को आता है तो बताओ, और किसी को नहीं आता तो बोल दो कि सर नहीं पता। लेंथ और हाइट का जो जैसे हम बात करते थे, इनका रेशियो कितना होता है? और एरो जो है ना, एरो एरो बन भी नहीं पाता है ना, जैसे कि विनय ने कहा बिल्कुल सही कहा, एरो बन ही नहीं पाता, आप बनाने की कोशिश करो बनता ही नहीं है, एक्चुअल जो एरो है तो स्केल की सहायता से एरो बनाना होता है। अब एक एरो हो तो चलो बना लें यार, 27 एरो होते हैं एक ड्राइंग में, तो दिन भर एरो बनाने में रह जाते, फिर ड्राइंग ही नहीं बन पाती हमारी, है ना, फिर आइडिया से बनाने लग जाते हैं बाद में, है ना। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेंटर लाइन कैसे बनाई, मुझे भी नहीं पता एरो की साइज क्या होती है ना। मैं भी जो मुन्नी मुन्नी नाम है, मुन्ना नाम होगा, मुन्ना भैया, हम भी ऐसे ही, हमें भी नहीं पता। ठीक है, देखो सेंटर लाइन जब बनाई जाती है ना, तो सेंटर लाइन में क्या होता है कि ये लाइन जो है सेंटर में, ये कट करनी चाहिए ऐसे, ये ऐसे कट करनी चाहिए, इस तरह से डॉट नहीं बनना चाहिए सेंटर में, ध्यान रखना, ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके अलावा एरो जो मैं पूछा था, मैंने आपसे एरो के बारे में पूछा था कि एरो वगैरह जो बनाए जाते हैं, डायमेंशन वगैरह बनाई जाती हैं, तो मैं आप चाहो तो एरो की अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो आप, है ना। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, अगर आप अंदर लिखना चाहते हो तो आपका एरो जो है, एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस इस तरह से होनी चाहिए, है ना, इस तरह से डायरेक्शन, देखो सही डायरेक्शन बनाते हैं, अन्यथा आप हीन भावना से देखोगे मुझे, इस तरह से मतलब अंदर अंदर की तरफ ऐसे एरो बनना चाहिए, है ना। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से यूं करके बना सकते हो, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, जब डिपेंड करता है आप किस तरह से एरो जो है एरो को बनाना चाहते हो ना, अलग अलग सिस्टम है, जनरली जो यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, मनी है, ओ हो, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई साहब सॉरी, है ना, सॉरी, मेरी क्या हिंदी ख़राब है यार, अंग्रेजी तो मेरी शानदार है और 8 बजे बाद तो बहुत बढ़िया हो जाती है, लेकिन वो हिंदी ख़राब है मेरी। मनी पता है, वो सुदेश लहरी का जो बेटा है ना, उसका नाम भी मनी है। चलो, है ना, कोई बात नहीं, है ना, दिल पे मत लेना। देखो एक चीज़ मैं बताने वाला था, वो देख लो कि जो एरो बनाया जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, एरो के बारे में पूछा हुआ है कि एरो जो बनाया जाता है ना, एरो की जो साइज़ होती है ना, वो 3:1 रखी जाती है ना, एरो जो होता है, एरो में जो सिस्टम है वो कितना रखा जाता है, 3:1 रखा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए। और दूसरी बात कि जब हम इंडिकेट करते हैं ना डायमेंशन को, तो दो मेथड होते हैं आपके, तो पहला जो मेथड होता है वो होता है आपके अलाइंड मेथड। कौन सा मेथड होता है? अलाइंड मेथड होता है। तो अलाइंड मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, ये सिस्टम अपनाते हैं, और आपके क्या है जो भी वैल्यूज आपने लिखी हैं उसके कहाँ करते हैं, ऊपर की तरफ या आपके लेफ्ट साइड में हम चीज़ों को लिख देते हैं। जबकि यूनिट डायरेक्शनल जो मेथड होता है, यूनिट डायरेक्शनल जो दूसरा मेथड होता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो भी डायमेंशन आपको लिखनी है आप चाहो तो उन डायमेंशन को क्या कर सकते हो, जैसे कि यूनि डायरेक्शनल मेथड में आपके जो क्या बोलते हैं इसको, एंगल बनाना हो या जो भी चीज़ें बनानी हो, उनको आप क्या कर सकते हो, मिड में भी लिख सकते हो, इस तरह से आप इनको इस तरह भी लिख देते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड में वर्क कर रहे हो। ठीक है, ओके, ये लिखने के तरीके, क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई साहब कई बार, है ना। बाकी ये वाला जो सिस्टम है ये उतना सिस्टम काम नहीं आएगा, बस इतना याद रख लेना, कभी भी हमें जब डायमेंशन लिखनी हो ना, जब पैरेलल डायमेंशन हो, बहुत सारी डायमेंशन हो, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपने कभी ड्राइंग बनाई हो, किसी घर का नक्शा बनाया हो, तो आपको पता होगा 3 तरह की डायमेंशन होती है, नाम पता होना चाहिए कि चेन डायमेंशनिंग होती है एक, तो एक पैरेलल डायमेंशनिंग होती है और एक कंबाइंड डायमेंशनिंग होती है, 3 तरह की डायमेंशनिंग होती है, ये पता होना चाहिए बस आपको। ठीक है, नाम पता होना चाहिए, नाम से काम हो जाएगा। इसके अलावा डायमेंशन के बारे में हमें जानकारी मिल गई है,
फिर बात करते हैं स्केल की। देखो स्केल का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है हमारे ड्राफ्ट मैन में, सर्वेयर में, इनमें बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि शुभम सर भी मुन्नी बोलते थे। शुभम सर बोलते थे का क्या मतलब है? शुभम सर तो अभी भी हैं, थे मत लगाओ, है ना, थे मत लगाओ। शुभम सर को मैं बोल दूंगा कि देखो आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं। देखो आप कभी भी मैप बनाते हो ना, तो मैप वगैरह में क्या होता है, स्केल वगैरह लिखी जाती है कि आपकी जो आपने मैप बनाया है उस मैप में क्या है, मैप में आपकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है, और आपका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपने क्या यूज़ की है, इनके बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो रेशियो होता है उसे जनरली हम स्केल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी स्केल होती है, एनलार्जिंग स्केल होती है, रिड्यूसिंग स्केल होती है, डिपेंड करता है आपको क्या करना है, किस तरह का मैप बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक छोटा सा पानी की बोतल है, पानी की बोतल का क्या है आपके पास कैप है, ढक्कन है, उसका आपको व्यू फोटो बनाना है बढ़िया सा, आप एनलार्ज करके बनाएंगे, ठीक है। और आपके पास में क्या है, हाथी है, हाँ वो हाथी को तो शीट पर ला नहीं सकते हैं, तो हाथी का क्या करना पड़ेगा आपको, आपको रिड्यूसिंग, आपको क्या करना होगा, आपको रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करके फिर आपको बनाना होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब हम भी चीज़ों के बारे में बनाते हैं तो स्केल, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, तीन तरह से आप बता सकते हो। अगर कहीं पर स्केल का रेशियो 1:1 है, कितना है, 1:1 है, तो उसे हम कहेंगे मित्रों क्या, उसे हम कहेंगे फुल साइज स्केल। क्या कहेंगे, फुल साइज स्केल, है ना। अगर आपके पास में क्या है, स्केल है 1:x की, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल। फॉर एग्जाम्पल आपके एक्स की वैल्यू 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है। अगर मित्रों कहीं पर क्या है x:1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनलार्जिंग स्केल कहेंगे। क्या कहेंगे, एनलार्जिंग स्केल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ गए क्या। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी आपके एनलार्जिंग स्केल है, और चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो अगर कहीं पर स्टार्टिंग में अगर कोई चीज बड़ी लिखी हुई है ना, 10, 20, 30, 40, तो समझ लो एनलार्जिंग है, और बाद में अगर लिखा हुआ है 10, 20, 30, यानी कि वो क्या है, रिड्यूसिंग स्केल है, समझ गए क्या। और आप ये चीज बता भी सकते हो ना इसमें, देखो रिड्यूसिंग कैसे, ये है कैसे, ऐसे रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। जैसे मान लो आपने कोई मैप बनाया, क्या बनाया, मैप बनाया, और मैप में आपने क्या किया कि भदौरिया सर का फोटो बनाया, ये भदौरिया सर है बोले, और भदौरिया सर की हाइट कितनी है, 1.5 फीट है बोले, कितनी है, 1.5 फीट है, लेकिन भदौरिया सर की हाइट 1.5 फीट थोड़ी है, भदौरिया सर की हाइट तो थोड़ी ज़्यादा है, कितनी है, 4.5 फीट के हैं भदौरिया सर, ज़्यादा कम बता दिया, 6.5 फीट के हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर ग्राउंड पे इनकी हाइट कितनी है, बोले 6.5 फीट है, और आपने मैप पे 1.5 फीट बताई है, यानी कि इनका जो रेशो चल रहा है वो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर वैल्यू कम बताई, यानी रिड्यूसिंग है। तो आप इसको 1:x में अगर आप लिख रहे हो, यानी कि रिड्यूसिंग है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से ध्यान रखना कि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, एनलार्जिंग का मतलब क्या होता है, आप देखते ही समझ जाना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RF की खास बात क्या होती है कि ये भी स्केल ही है, लेकिन स्केल के एक ऐसी स्केल है, स्पेशल स्केल है, जिसमें आपके सेम यूनिट होती है, आपके जो एक्चुअल जो साइज होती है, और ग्राउंड पर जो साइज हो कह सकते हो आप इसे, और जो आपके ऑब्जेक्ट साइज होती है ड्रॉइंग में या मैप पर, वो आपकी सेम यूनिट होती है। अगर आपके डिनोमिनेटर में बात करें या न्यूमिनेटर में बात करें, दोनों में साइज क्या सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 15 mm और 3 मीटर है, तो हम या तो हम mm को मीटर में चेंज करेंगे, या मीटर को mm में, या mm को मीटर में एक दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे mm में चेंज कर दिया, तो आपने mm में लिख दिया, और अगर आपने इसको क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है 1 लिख दिया, और 200 लिख दिया, 1:200 आपने इसको लिख दिया है। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि 1:200 क्या, कौन सा है, एनलार्जिंग है या रिड्यूसिंग है, मुझे बताओ कमेंट करके, और मैं जल्द ग्रैंड कर लेता हूँ। ये रिड्यूसिंग है या एनलार्जिंग है, बताओ। बताइए। अब क्या होते हैं, कुछ मैट्रिक यूनिट्स होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। मैट्रिक यूनिट्स में जैसे कि 10 mm है, 10 cm है, आपके 10 dm है, 10 m होता है, 10 dm होता है, 10 hm होता है, 1 हेक्टेयर होता है, तो आपको बताना चाहिए कौन किस में किसका रिलेशनशिप किसके साथ है ना। जैसे 10 mm को आप 1 cm कह देते हो, तो आपको बताना चाहिए कब किसको क्या कहा जा रहा है। और यकीन मानो मित्रों, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी JEE का जो पेपर हुआ था 12 तारीख को राजस्थान में, उसमें क्या है, ऐसे डायमेंशन 2 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन में तो उन्होंने यही पूछ लिया था, यार्ड वाला क्वेश्चन था,
है ना, मीटर स्क्वायर और यार्ड में रिलेशनशिप पूछ लिया था, तो आपको बताना है। हाँ, रिड्यूसिंग होना चाहिए, आप सबने सही बताया है, बहुत बढ़िया। अब टाइप ऑफ स्केल की बात करें, स्केल कितनी टाइप की, स्केल के जनरली तीन टाइप होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और आपके वर्नियर स्केल। जो प्लेन स्केल होती है, नॉर्मल स्केल होती है, उसमें क्या किया जाता है, सिंपली एक प्लेन स्केल होती है नॉर्मल, जो अपन स्केल काम में लेते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में, और जो आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज आपका क्या करती हैं, दो यूनिट तक ही रिप्रेजेंट करती हैं। कितनी, दो यूनिट तक ही रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आप कहीं चेक करने जाओ तो मीटर और डेसीमीटर तक, सेंटीमीटर और एमएम तक, सिर्फ इतनी वैल्यूज को यह बताता है ना, बस इतना सा याद रखना है। इसके अलावा दूसरी जो यूनिट है जो इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट उतना ही बताएंगे आपको, है ना, न्यूमेरिकल से बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट होती है जिसका नाम है वो है डायगोनल। डायगोनल यूनिट की खास बात क्या होती है, सॉरी डायगोनल तो हमने मिस कर दिया, दूसरा कौन सा है, डायगोनल। डायगोनल की खास बात क्या होती है, इस डायगोनल यूनिट से क्या किया जाता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी यूनिट तक हम कर सकते हैं, तो लेंथ जो मेजर की जाती है वो थ्री यूनिट जो होती है, थ्री यूनिट तक हम मेजर करते हैं, जिसमें आपके दो डिजिट जो होती है पॉइंट के बाद में, दो डिजिट तक ये वैल्यू तक चली जाती है, जिसमें आपके आप जैसे बताना चाहो तो मीटर डेसीमीटर तक, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक, है ना, ये वैल्यूज चली जाती हैं आगे तक, है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो फर्स्ट डेसिमल तक होती है। कहाँ तक होती है, फर्स्ट डेसिमल तक, यानी तीन डिजिट आप रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल कहीं पर मेजरमेंट करने गए आप, और मेजरमेंट करने के बाद में आपको वैल्यू देनी है या रिजल्ट देना है, तो आप रिजल्ट में क्या लिखोगे, आप पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद में दो डिजिट तक आप वैल्यू जो है उस वैल्यू को आप लिख सकते हो, समझ गए। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4.75 मीटर, है ना, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि टोटल तीन डिजिट होती है, टोटल तीन डिजिट होती है, पॉइंट के बाद दो डिजिट होती हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये JEE में भी अभी 12 सितंबर वाले पेपर में पूछा था कि डायगोनल में कितनी यूनिट तक मेजर करते हैं, तीन डिजिट तक मेजर करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की खास बात ये होती है, जो फ्रैक्शंस जो होते हैं पॉइंट, है ना, पॉइंटों में पॉइंट्स की भी जो वैल्यू थी वहां तक ये मेजर कर लेता है, ठीक है ना, अप टू टू डेसिमल तक ये क्या करता है, ये वैल्यू मेजर करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो केस डेवलप होते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल, कि मेन स्केल पर ज्यादा काउंट है या वर्नियर स्केल पर ज्यादा काउंट है आपके। अब ध्यान से समझना, अगर आपके वर्नियर स्केल और मेन स्केल को कंपेयर करते हैं तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल में आपके अब इनके कंपैरिजन के बेसिस पर आपके अलग अलग वैल्यूज निकल करके आती हैं। जैसे कि एक होती है डायरेक्ट वर्नियर, है ना, तो वर्नियर जो है, वर्नियर में जो डिवीजन जो होते हैं लिखे हुए होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते हैं मेन स्केल से, तो आपकी कौन सी, डायरेक्ट वर्नियर का केस बन जाता है। बैकवर्ड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर का केस बनता है, जब आपके जो आपने जो ग्रेजुएशन किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन इतना जरूर पूछते हैं कि मित्रों बताओ लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट जो होता है आपका, वो लिस्ट काउंट दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपके मीन आपके जो मेन जो आपने मेन स्केल बनाया है, मेन स्केल के जो डिवीजन वो ज़्यादा है, तो मेन स्केल में से घटा दीजिए वर्नियर स्केल को। अगर वर्नियर स्केल का जाता है, वर्नियर स्केल में मेन स्केल घटा, मतलब कुल मिला के बात है, दोनों का क्या करना होता है, दोनों में से एक दूसरे को घटाना होता है, माइनस करना होता है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब क्या होता है, अगर मेन स्केल जो है, मेन स्केल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मेन स्केल क्या है, ज़्यादा है वर्नियर से, तो उसे हम डायरेक्ट कह देते हैं, वरना उसे हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए स्केल के रिलेटेड, स्केल के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर पूछ लेता है, तो लीस्ट काउंट को क्या लिख सकते हो आप, लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कभी करने के लिए बोल दे, तो मुझे लगता नहीं कि न्यूमेरिकल लीस्ट काउंट आएगा, लेकिन फिर भी याद रखना लीस्ट काउंट में क्या है, इन दोनों का क्या लिया जाता है, डिवीजन लिया जाता है, वरना डिवीजन ना बोले तो रेशो की वैल्यू में भी, कंपैरिजन में क्या है, रेशो के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि जो मैंने अभी रामायण बांची है वो रामायण आपको समझ में आई है नहीं आई है। अगर वो रामायण समझ में आई है तो दो चार चौपाइयाँ और मैं बोलूँगा और वो समझ में आ जाएंगी, तो हमारा काम हो जाएगा। बताओ घर की बात है इसलिए बता देना, सच बताना है ना, झूठ मत बोलना। अब कुछ लोग तो मन में सोच रहे हैं हमें कौन सा डर लगा है जो हम झूठ बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, हम तो बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है। आप है ना यहाँ पे एक आप चाहो तो यहाँ पे एक ये और लिख लो, एल सी लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एस अपॉन एन,
है ना, एस अपॉन एन, ये और लिख लो, अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा तो इससे क्वेश्चन पूछ लेगा या तो, ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि मेन स्केल जो है, मेन स्केल पे कितने आपके, मेन स्केल पे कितने आपके ग्रेजुएशन है, कितनी लाइनें बनी हुई हैं, और वर्नियर स्पेयर कितनी है। मेन स्केल मतलब एस, वी मतलब वर्नियर स्केल को रिप्रेजेंट करता है, या वी एच डी, और एन करता है कितने आपकी नंबरिंग है उसमें, है ना, उस चीज, उन चीज़ों के बारे में हमें क्या कहता है, उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और छोटी मोटी बातों के बारे में। देखो, अपना जो आपका जो सिलेबस है ड्राफ्ट मैन का, उस सिलेबस में क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं। क्या हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि वो जो टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, उसमें थोड़ा सा समय भी चाहिए और थोड़ा दिमाग भी चाहिए, है ना। तो आज तो मैंने दिमाग खा लिया आपका, तो थोड़ा बहुत कल फिर करेंगे ना, क्योंकि आज वाला दिमाग तो मैंने आपका खा लिया है, तो आज दिमाग खा लिया समझ में तो वैसे ही नहीं आएगा आपको। तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं कल करवाऊंगा, और ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा, तो आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यार क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काम का हैवी या फिर कहीं ऐसी हवा में उड़ाया जा रहा है आपको, ना, तो दोनों चीज़ करवा देंगे। उसके अलावा आपका जो सिलेबस है उसमें एक एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि सेफ्टी के रिगार्डिंग, आपकी फर्स्ट एड किट वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड, तो दो चार बातें ज्ञान की वो भी सुन लो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और RSM SSB JEE को लेकर के अभी कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि क्लास चल रही है ड्राफ्ट में भी, उसी चीज़ को लेकर के बात करेंगे। बाकी आप नंबर आपके पास है तो आप मुझे कॉल कर लेना, उस पर आप जानकारी ले लेना, है ना। चलो, अभी फ़िलहाल ड्राफ्ट मैन की बात कर लेते हैं ना, बुरा मत मानना, देखो JEE वाले बच्चे हैं ना। चलो देखो, अब हमारे साथ क्या है कि जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, खास करके देखो आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, एक तो आपने सिलेबस अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो फर्स्ट एड किट के बारे में लिखा हुआ है, और उसके अलावा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ PPE, है ना सिलेबस में, इंट्रोडक्शन ऑफ PPE। तो इंट्रोडक्शन ऑफ PPE के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो PPE की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PPE की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाना चाहिए यार, बात किस बात की हो रही है, चर्चा किस बात की हो रही है। चर्चा हो रही है कि हमें जो है, हमारे साथ में हमारे जो, आप इंजीनियर हो, है ना, आप ड्राफ्ट मैन हो, आप सर्वेयर हो, कोई भी हो, आप साइट पर कहीं जा रहे हो, तो आपकी यार सेफ्टी सबसे पहले है ना, या फिर वहां पर जो काम करने वाले हैं उन वर्कर की सेफ्टी सबसे पहले है, तो आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके साथ में होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेलमेट वगैरह जो है, हेलमेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आप वेल्डिंग वगैरह करने जा रहे हैं, शॉप वेल्डिंग में है, कहीं पर भी है, तो आंखों को बचाने के लिए, आंखों के लिए आपके पास में आपके आई प्रोटेक्टर होना चाहिए, जो आपके चश्मा वगैरह होना चाहिए। जूते जो हैं, ऐसे नहीं आप चप्पलों में पहुंच गए, वहां पर स्लीपर्स में नहीं, है ना, स्लीपर में नहीं जा सकते हैं आप। स्लीपर में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पैर पर अगर मान लीजिए किसी ने एक सरिया पटक दिया, या कोई आपके इक्विपमेंट गिर गया पैर पर, तो फिर तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो आप शूज वगैरह पहन करके जाइए, वो बढ़िया अच्छे क्वालिटी वाले शूज हों, है ना। अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है ना। तो इनमें क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको पता होना चाहिए, जैसे आई वगैरह के बारे में, आई एंड फ्री प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आँखों वगैरह के लिए आपके पास में चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप, है ना, प्रॉपर वे में अपनी आई को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइड पर जो चल रही होती हैं, कई जगह का होता है विंड वगैरह चल रही है, कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब बेसिक चीज़ है जो कॉमन सेंस वाली वही हैं, कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। अब आई प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फोर फॉर्म्स होती हैं, फोर प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि आपके क्या होते हैं, चश्मे वगैरह होते हैं स्पेशली जो बनाए जाते हैं, है ना, उन्हें आप यूज़ में ले सकते हो, है ना, और शील्ड वगैरह काम में ले सकते हो, है ना, सेफ्टी शील्ड जिसे बोलते हैं, फेस शील्ड काम में ले सकते हो। और फेस शील्ड के बारे में आपने अभी सुन ही लिया होगा कोरोना के अंदर, कोरोना में फेस शील्ड काम में ली जाती है, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा होता है बॉडी प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्ट रहे तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए भी कई बार काम, कई बार क्या होता है बहुत हैजार्डियस मशीनरी वगैरह होती हैं जिनसे आपको चोट लग सकती है, तो आप स्पेशली कोई जैकेट वगैरह इस तरह की आप पहनते हैं, जैसे कि आपके क्या है कि कोई नुकसान वगैरह ना हो। कोई भी अगर आपके कोई नुकसान हो भी रहा है तो पैसे से नुकसान हो जाए, किसी की जान का नुकसान ना हो, है ना, किसी की डेथ वगैरह ना हो वहाँ पर। हेड प्रोटेक्शन, सिर को बचाना है तो सिर को बचाने के लिए आप एक अच्छा वाला, बढ़िया क्वालिटी वाला आप हेलमेट काम में लीजिए। ऐसा ना हो आप ऐसे घूम रहे हैं और कहीं से आकर के एक ब्रेक आई और आपके माथे पर गिरी और आप वहीं लेट गए, है ना।
इसके अलावा हैंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हाथों को बचाने के लिए, अगर आप कहीं ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हाथों को आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे ग्रिप वाले ग्लव्स वगैरह आप काम में ले सकते हो। खास करके मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी गर्मियों में आपने काम किया हो साइट पर, या फिर ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर जो भी स्टील का वर्क होता है ना, तो स्टील का बहुत गर्म हो जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाथ जलने लग जाते हैं, तो वो क्या ग्लव्स वगैरह काम में लेते हैं, है ना, शटरिंग वगैरह बनाते समय ऐसी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। फीट प्रोटेक्शन का मैंने बता ही दिया, जूते वगैरह बूट वगैरह आप अच्छे काम में लीजिए। फर्स्ट एड की बात करते हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास में होना चाहिए, कहीं कोई जल जाता है, किसी के लग जाती है, सर फूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। किसी को अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक आने के केस में कैसे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है ना, प्राथमिक उपचार कैसे प्रोवाइड करना है, किट वगैरह जो है आपके पास में होनी चाहिए, है ना। अब किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो अब आपके पास में मान लीजिए कि किट है आपके पास में, और उस किट में कुछ चीज़ अवेलेबल है ना, तो अब ऐसा थोड़ी उसको डिटॉल वगैरह से पट्टी करोगे आप, कोई चोट थोड़ी लगी, हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक के केस में आपको पता होना चाहिए आप उसके चेस्ट वगैरह जो है, उस चेस्ट वगैरह को कैसे आपको प्रेस करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये सिखाई जाती हैं आपको, और अगर अच्छी साइट है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है वो सिखाता है, ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इन इंस्ट्रक्शन का आप फॉलो करो, कोई है किसी के लग गई है, कोई जल गया है, सिर फूट गया है, क्या हुआ, किस तरह की इंजरी, उस इंजरी को देखो, उसके हिसाब से आपको उसको टैकल करना है, और हैंड टू हैंड जितना हो सके आप हॉस्पिटल वगैरह में खबर कीजिए, एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाइए। और फर्स्ट एड जो किट होती है, उस किट के बारे में ध्यान रखना होता है कि इस किट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, आपके सेफ्टी के लिए आपके सेफ्टी पिन वगैरह भी रखी जाती हैं, आपके अलग अलग बैंड रखे जाते हैं, आपके बैंडेज वगैरह जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना, अल्कोहल फ्री आपके क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों डिटॉल वगैरह रखते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए, और फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, कैसे हमें फर्स्ट एड किट वगैरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चलता है 5S कॉन्सेप्ट, क्या 5S कॉन्सेप्ट, ये भी आपके सिलेबस में है। 5S कॉन्सेप्ट क्या है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग वर्क एरिया की, है ना, किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह पे आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है 5S कॉन्सेप्ट क्या करता है, वहाँ पे कैसे वर्क करना है उनके बारे में हमें जानकारी देता है। एक्चुअल में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मित्रों ये बताइए 5S कॉन्सेप्ट कहाँ का है, किस तरह का है, तो ये जापान का है, जापानीज वर्ड है, वर्ड जो होते हैं जापानीज वर्ड से बनाया गया है 5S कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने 6 सिग्मा थ्योरी का नाम सुना हो, तो मतलब ज़्यादातर चीज़ें चीन या जापान उधर की हैं ना, खतरनाक चीज़ें, जैसे 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है, जो कि पूरा वर्ल्ड अपनाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनाती हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो अपनाते हैं, वो 6 सिग्मा जो थ्योरी है, तो वो कहाँ की, वो भी आपके शायद जापान और चीन से रिलेवेंट है, उन्हीं के मिलजुल कर उन्होंने बनाई थी, है ना। और इसमें क्या है, इनके नाम है, इनके नाम के हिसाब से अब उनका मतलब क्या है और क्या कॉन्सेप्ट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सेराई, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं, तो शॉर्ट में क्या किया जाता है, शॉर्टिंग की जाती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से शॉर्ट कर लो, रिमूव कर लो अननेसेसरी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने अलग कर लिया। जैसे कि आप स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग कर रहे हैं मतलब हम, है ना, किसी भी चीज़ की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और एलिमिनेट कर देते हैं आपके जो ऑब्स्टेकल वगैरह जो भी होते हैं, स्मूथ ऑब्स्टेकल उनको रिमूव कर दीजिए और उनको अलग कर दीजिए, तो ये पहला प्रोसेस होता है 5S का, पहला S होता है। दूसरा होता है आपके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट करना है, प्रॉपर वर्क करना है, तो आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है, और जो समय खराब हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम वेस्ट को अब आप मिनिमम कीजिए। फिर आपके आता है शाइन, जो शाइन होता है उसमें क्या किया जाता है, आपको क्या करना होता है, आपका जो वर्क एरिया जो होता है जहाँ पर आपको काम करना है, वहाँ की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मशीनरी जो है मशीनरी की क्लीनिंग होनी चाहिए, सभी चीज़ों की साफ सफाई जो है उसका ध्यान रखा जाता है। इसका होता है स्टैंडर्डाइजेशन, आप हाई से हाई स्टैंडर्ड चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है, अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, जिससे कि क्वालिटी मेंटेन हो सके, प्रॉपर क्लीनिंग हो, हाउसकीपिंग वगैरह हो, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी वर्क एरिया आपका, वो होना चाहिए। इसके अलावा होती है सस्टेनेबिलिटी जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर किस तरह के इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं, क्या उनका ऑर्डर होना चाहिए, उस ऑर्डर में वो अवेलेबल हैं या नहीं है, उनके बारे में डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, जो भी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं लोग उनको आपको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, और टाइम टाइम पर आप क्या फीडबैक लीजिए लोगों का, टाइम टाइम पर आप ट्रेनिंग करवाइए, आपके टाइम टाइम पर नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं उन इक्विपमेंट की जानकारी दीजिए, भाई आपके पास में एक नई मशीन आ गई लेकिन मशीन चलाना सिर्फ एक आदमी को आता है, और वो आदमी चलो गुजर गया
या नहीं गुजरा है, थोड़े दिन की छुट्टी पर चला गया तो क्या प्रोजेक्ट बंद रहेगा? नहीं, तो ट्रेनिंग वगैरह, आपके सेमिनार वगैरह है ना, वर्कशॉप वगैरह होती रहनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा रेस्पॉन्स टू इमरजेंसीज, टेक्निकल इमरजेंसीज की बात करते हैं कि आपकी जो इमरजेंसीज वगैरह हो रही है, टेक्निकल इमरजेंसी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें कैसे आप रेस्पॉन्स देते हैं, कैसे आप बताते हैं कि सेफ्टी अलार्म वगैरह होने चाहिए, आपके जहाँ पर आप हैं वहाँ पर सेफ्टी अलार्म होने चाहिए, लिफ्ट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कोई खराब या कुछ बात है तो सेफ्टी अलार्म होनी चाहिए। इसके अलावा वेदर से रिलेटेड कोई कोई कंडीशन अगर डेवलप हो जाती है, कोई इंजरी वगैरह होने का चांस है या कोई ऐसी घटना इंसिडेंट वगैरह हो गया, तो उस केस में वहाँ पर क्या है, वहाँ पे आपके अलार्म वगैरह या सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा जनरली पावर फेलियर का देखने को मिलता है कि हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारा पावर फेलियर हो जाता है, तो पावर फेलियर अगर है तो पावर फेलियर को टैकल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका आपकी जो जॉब है ना, ड्राफ्ट मैन की या सर्वेयर की हम बात करते हैं, फील्ड की जॉब है, तो फील्ड से रिलेटेड नॉलेज आपके पास में पूरी होनी चाहिए। सिर्फ रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क फैक्टर का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, कितना रिस्क आ सकता है, किस तरह का रिस्क आएगा, इन चीज़ों के बारे में आपको क्या है जानकारी देती है। ये PDF मैं आपको देने वाला हूँ, उनको एक बार पढ़ लेना। थ्योरी वाली चीज़ें, मतलब बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्विक जो रिविज़न या क्विक आपके जो मटेरियल हो सकता था आपके लिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है ड्राइंग से रिलेटेड। कल आपकी क्लास होगी एक और, इसका सेकंड पार्ट होगा ड्राइंग का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ मामला जो है वो बढ़िया था, सही था, तो आप चाहें तो हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए ₹1 का आप डोनेशन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है जो कि पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह पे अवेलेबल है। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको टाइमिंग जो है 10 से लेकर के 5 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है, ठीक है। इसके अलावा जो सैयद साहब कह रहे हैं कि क्वेश्चंस वगैरह, तो बिल्कुल मैं क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं, समझ गए क्या, मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। सैयद साहब आप टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आ रहा हूँ, है ना। हो सका तो मंडे से एक डबल क्लास हो जाएगी, डबल धमाका ऑफर। लेकिन चक्कर क्या है कि मेरा मन पता क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मन ज़्यादा क्लास लगाने का इसलिए हो रहा है कि बच्चे नहीं है यार। आप क्या है, चैनल क्या होता है, कई बार चैनल की रेपुटेशन का सवाल होता है। मान लो मोदी जी गए कहीं रैली करने के लिए, जैसे ये जाते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ आती है। अब मोदी जी कहीं रैली करने गए, वहाँ पर 15 आदमी हैं, कितने 15 आदमी हैं या 2-3 हज़ार आदमी हैं, तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि यार क्या बात है यार, कुछ गड़बड़ है यार, इनके तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं या फिर सुनने वाले नहीं आ रहे हैं, या तो मोदी जी भाषण अच्छा नहीं दे रहे हैं या फिर मोदी जी खराब है। एक एग्जांपल पे ले रहा हूँ, अभी मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, तो वही वाली बात है। ये चैनल की क्या है, एक रेपुटेशन है, चैनल पर रेपुटेशन है, इतने सारे बच्चे हैं और उनका विश्वास है। तो अब यहाँ क्या है कि 100-150 बच्चे लाइव रहते हैं जनरली, अब बच्चे 50 भी नहीं हैं। अगर कोई आता है देखने तो वो देखेगा यार 50 बच्चे भी नहीं, क्या चक्कर है, चैनल गड्ढे में जा रहा है, इसका मतलब चैनल पर कोई आ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा बच्चों को शेयर करो, जब ज़्यादा जुड़ पाए बच्चे, और बाकी पढ़ाने का मेरा है, मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसमें टेंशन नहीं है, क्रोनोलॉजी समझिए आप। बाकी ठीक है, कोशिश की है मैंने आपको आराम आराम से पढ़ाने की, तो आपको थोड़ा आपको आइडिया लग सके। और PDF जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी और आपके ग्रुप में भी, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं और कोशिश करते हैं कि मंडे से डबल क्लास हो, आपकी क्वेश्चंस की भी क्लास हो और थ्योरी की क्लास हो, दोनों चलें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए अच्छा, और आपको लगे कि हाँ कुछ हुआ, हमें फ़ायदा हुआ क्लास का, समय बर्बाद नहीं हुआ हमारा। देखो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, बस ये है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, बाकी मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट, ठीक है। चलिए कल मुलाकात करते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय